Now, everybody excited to call Azra Group for drama on Parda. Azra Group, please come on the stage. Hi. Hi. Hey, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था. कल तुम्हें आना चाहिए था, हमने बहुत मस्ती की. मुझे लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसीलिए मैं नहीं आई थी. यहाँ तो उल्टा ही हो गया. तुमने आने में लेट क्यों कर दिया? वो मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी. चल छोड़, तेरा तो रोज का ही ऐसा है. तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, कौन पूछो. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम और हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं, फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं? नहीं पता. नहीं पता, चल तू ही बता दे. तुम दोनों को इतना भी नहीं मालूम, एग्जाम हॉल जहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं, फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं. ओ सही कहा तूने. नाइस, तेरी ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है. ओ थैंक. लेकिन तुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था, आजकल के फैशन के हिसाब से. लुक एट हे यार, तुम मेरे कलर की बात कर रही है, लेकिन वो लड़की एक ही कलर की ड्रेस रोजाना पहन कर आती, तुम उसके बारे में क्या कहोगी? हाँ, अगर कॉलेज होने के बावजूद भी ये लड़की अपने आप को इतना कवर करके आती है. चलो इसके पास चलते और पूछते हैं. हाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अगर आप पहले किसी से मिले तो उन्हें सलाम करें. वालेकुम अस्सलाम. हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे. हाँ कौन पूछो. लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? दिस मीन तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और बरकतें हो. वाओ नाइस मीनिंग, ये तो हमें पता ही नहीं था. हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे. हाँ कौन पूछो. तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसे होगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती? तुम लोग मुझसे इतने क्वेश्चन इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है. तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें शर्म फील नहीं होती? कॉलेज हो या कोई सी भी प्लेस हो, ये पर्दा मेरी सेफ्टी के लिए है. और इसमें शर्म की क्या बात? इसमें कैसी सेफ्टी, इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माहिल और अट्रैक्ट कर देता है. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वबैना फितूतिगुन्ना वला तबरुजना वला तबरुजल जाहिरे अतल उलम. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो और कदीम जमाने की तरह नुमाइश ना करती फिरो. तो क्या हुआ, हम भी मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो. बहन, हम में और सब में बहुत फर्क है. हम मुस्लिम कौम की बेटियां हैं और हमारा मतलब ही छुपाया जाने वाला है. तुम लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ. देखो ये एक पैक चॉकलेट है और ये एक पूरी चॉकलेट है. बताओ तुम लोग इसमें से सेलेक्ट करोगी? आपने इसी को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक है. ठीक, बेपर्दा औरत की मिसाल इस चॉकलेट की जैसी होती है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है, और इस पैक चॉकलेट की जैसी जिसमें कोई किस्म की नापाकी और गंदगी नहीं होती, जिसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसकी दुनिया में कोई अहमियत नहीं होती है. वाह, तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? क्या मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जिस कुरान में अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है उसकी एक आयत अल्लाह ताला ने पहले मर्दों पर पाबंदी लगाई है कि ऐ मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरो तब अपनी निगाहों को नीचे झुकाओ कि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़े. तुम लोग को ऐसे भी नहीं समझ आएगा, मैं तुम लोग को एक और एग्जाम्पल देती हूँ. देखो ये एक हीरा है और ये ये पत्थर है. बताओ तुम लोग इसमें से कौन से संभाल कर रख सकती हो? ऑफ कोर्स हीरा. पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक, इस पत्थर के जैसे बेपर्दे औरत की मिसाल होती है जिसको हम तिजोरी में संभाल कर रखते हैं और उसको हम लोग नुमाइश के लिए सबके सामने नहीं रखते हैं. अगर हम इसको सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो यह सेफ नहीं रहेगी, और अगर हम पत्थर को रखेंगे तो इसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी. और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपने फोटो को क्लिक कर अपलोड कर देती हैं
और गैर गैर महरब आदमियों पर उनकी निगाह पड़ती है, वो उनकी फोटोज को लाइक और कमेंट करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। वाकई इस्लाम में आज का इतना अच्छा मुकाम दिया गया है, मुझे समझ में आ गया है। हाँ, आज से हम अहद करते हैं कि हम भी पूरी तरह से पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दा एहतमाम करने की ताकीद करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औरत पर पर्दा इस कदर जस्ता है जैसे कुरान पर गिलाफ। क्लैप फास्टर वर्स।